Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और तमाम खवातीन हज़रातियाँ दिली दुआ कबूल और मंजूर फरमाएं। राणा साहब और दिलावर साहब बीमार नहीं थे, खाल के कायनात उन्हें सेहत का मिला था, हमेशा आबाद रखे। मेरे मोहतरम सामईन, एक दोस्त ने दुआ वास्ते आख्या बच्चा उन्होंने बीमार है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके नाल खाल को शिफाए का मिला। मैं जनाब के सामने सूरह मुबारक अंबिया की एक मशहूर आयत मजीद पढ़ी है, खालिक फरमादन फरमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, ए हबीब हमने तुझे भेजा ही रहमत बना के, तेरा भेजना ही लोगों के लिए रहमत। वमा अरसलना का, ये जो हमने आपको भेजा है इल्ला रहमत लिल आलमीन, ये सिवाय इसके नहीं कि ये आलमीन के लिए रहमत है। इस वेले वजीर आजम पाकिस्तान के प्रोग्राम के मुताबिक पूरे पाकिस्तान अशराए रहमत लिल आलमीन मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया के मुसलमान तो अलावा पाकिस्तान खसूसन एरा अशरा जारी है, इहदा नाम रखा है अशराए रहमत लिल आलमीन। मेरे मोहतरम सामईन, उहदे मुताबिक ही मैं गुफ्तगू दा आगाज कर रहा हूँ। पैगंबर आजम खालिक ने आलमीन की रहमत करार दिता, फिर लोग सोचते हैं कि आलमीन कुरान जेड़ा ना जी, ये कुरान रहमत लिल मोमिनीन है। सूरह मुबारक यूनुस के मुताबिक कुरान रहमत लिल मोमिनीन है और नबी रहमत लिल आलमीन, कुरान मोमना वास्ते रहमत है, नबी आलमीन वास्ते रहमत है। जेड़ा बंदा साहिब ईमान है कुरान उदे वास्ते रहमत है, जेड़ा बंदा ईमान ते नहीं भी आया काफिर भी है या मुशरिक भी है, नबी पाक को पूरी कायनात वास्ते रहमत है। हूँ एक बंदा सोचता है कि अगर नबी आलमीन की रहमत ने जी रहमत जमीन ते आसमान ते छाई है, ये उसे मक्के बेच बंदे जन्म में टुर गए। अबू जहल में कोई रहमत का असर नहीं होया, अबू लहब में कोई रहमत का असर नहीं होया, उदे वास्ते बिल्कुल छोटी जी मिसाल नाल मैं अर्ज करूँ, ऐ ये रोशनियाँ लगियां ने ना जी, ये रोशनियाँ फायदा दे रही हैं, ये जिहड़ियां रोशनियाँ ने फायदा दे रही हैं। कुरान पाक मेरे सामने खुला है, मैं आयतां पढ़ांगा मेरे सामने, तुसी एक दूसरा चेहरा वेख रहे हो तो मैं कुरान नूं वेख रहा, तुहाडा चेहरा मैं वेख रहा, मेरा चेहरा तुसी वेख रहे हो, इहदा मतलब है रोशनी है, रोशनी है, रहमत है सी मक्के भी मदीने भी। ये जिहड़ा काफिर है, जिहड़ा मुशरिक है, जिहड़ा जहन्नम दा बालण बन गया है, बंदे सोचदे ने उहदे ते रहमत दा असर नहीं होया। हुण मैं एक इतों अच्छी मिसाल जल्दी दे नहीं सकदा कि जिहड़ा बंदा हुण वेंदा पिया मेरा मूँह दिसदा पिया, मैनूं तुहाडा मूँह पिया दिसदा है, हुण मैं अखां ही बंद कर छड़ां दिसणा मैनूं की, मौला जी तुहानूं जज़ाए खैर, मैं ना मैं अखां अगर बंद कर दिया तो मैं कुछ नहीं दसना, लाइट है यार, लाइट तो है ना, अखा खोलांगा तो दिसेगी ना, इहदा मतलब है जिहड़ा जिहड़ा जन्म में टुर गया ना अखा ही बंद कर गया, वो हालत है उस रहमत को फायदा नहीं उठाया। मैं लोगों की बदबख्ती पढ़न लगा, यकीन करो जिन्हें भेजे वह आंदा अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो जो आया है उन्होंने कह रहा बमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल कमा देवे, तो जिन्हें भेजे वो नाल ही आंदा निरा मैं रब नहीं अर रहमान अर रहीम, मैं रहमान भी हाँ तो रहीम भी हाँ, जिन्हें भेजे वह भी कमा रहे रहमत, जिहड़ा आया है वह भी कमा रहे रहमत, तो कमा लेवे कि दोवे की हद नहीं लगती, वो आलमीन का रब है, मेरा नबी आलमीन की रहमत है। तुहाडा की ख्याल है आलमीन गोबिंदगढ़ तो शुरू हो गए तो ख्याल ही मुक जाती है, आलमीन का तो हिसाब ही कोई नहीं ना, अरश तो उत्ते भी आलमीन है, फर्श तो थले भी आलमीन है, ता तो सरा तो थले भी आलमीन है, जिदी हद ना ना लभे उनू आलमीन आंदे, जिदी कोई हद ना ना लभे उनू आलमीन आंदे। जदों अल्लाह अपनी जात नू रब कह लिया ना आलमीन दा, उदो मुहम्मद नू रहमत आख्या आलमीन, इहदा मतलब है मैं कह सकना इस मुजम्मे गफीर च कि जिथे जिथे वह रब है, अच्छा मेहरबानी उथे उथे मेरा नबी रहमत है, जदों का वह रब है उदों की रहमत है, तो जदों तक रब रहेगा उदों तक रहमत रहेगा। थले मुंह कर जरा रोज पूछ रहे मुहम्मद है कि नहीं, अल्लाह है या नहीं, जजा यार
ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਵੀ ਰੱਬ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਵੀ ਤੇ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਰੱਬ ਕੱਲ ਵੀ ਰੱਬ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਆਲਮੀਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਬੀ ਕੱਲ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ, ਨਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਲਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਬੂਬੀਅਤ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਆਲਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੀਨ ਲੱਗ ਜਾ ਨਾ, ਆਲਮੀਨ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਇਤਾਦ ਕਰੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਨਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਦੋਂ ਆਸਾਨ ਗੁਫਤਗੂ ਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਇਹ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਮਸਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਲੰਬਾ ਲੜਾ ਗਏ रात नू तेल मुका हो बत्ती चो पिंडा चो तो तेल लभदा भी उस वेले कोई दुकाना बंद हुंदियां ओ सारी गल बत्ती ते पाछ हुण ओ बहाना नहीं चलदा हुण यूपीएस भी लगे ने जनरेटर भी मौजूद ने हुण मां बाप ने किबला इतना अच्छा इंतजाम किया है हुण बच्चा यह नहीं कह सकता राती लाइट टुर गई सी बंदिया इतना इंतजाम किया वांदे ने साडी सारे टब्बर की जाए भावे ना जाए तेरे कमरे की नहीं जाएगी स्टडी रूम की इस स्टडी रूम से जो बंदा बैठा है तो लाइट का इंतजाम इतना सोहना किया है वह बहाना कर सकता राती लाइट टुर गई सी तो मैं पढ़ नहीं सके एक तेन मैं गल दसा यह बहाने शाने अल्लाह मुका छड़े नहीं मुहम्मद या साबा रब्बाल जिवें बंदा पुलिस वाले ना छड़ना हो जांदे ने पिछो आर्डर आए कित्थों लाइट गई पिछो गई पिछो पिछो लाइट जाए तो नहीं आई पिछो लाइट जाए तो नहीं आता भी आँगी पिछो आ रही ए मतलब तय हो गया कि पिछे कनैक्शन कि तेन एक गल दसा नबी फरमाया अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी सब तो पहला अल्लाह ने मेरे नूर नू खलक किया फिर फरमा देन आना वा अली मेरे नूर इन वाहिद मेरा ते अली का नूर एक है एक नबूवत का नूर पै चमकता ही दूजा वलायत का नूर पै चमकता है तेन मैं एक गल दसा पक्की जी लैट जान वाली गल ये जान वाली गल लोगों को पता सी कि खोरे नबूवत खत्म हो गई है तो लैट ही टुट गई या रिसालत खत्म हो गई तो लैट ही टुट गई कदी तुम मोमबत्ती मोमबत्ती बलती पेगी बल्ब ना बल्ब नहीं मैं मोमबत्ती तह मिसाल दी एक बलती हो नाल दी अंज बाल के रखे नाल दी अंज बाल के रखे ये नाल जोड़ के भी बल जाती थोड़ी खैर तारा भी टच करिए तो बलती बत्ती नाल बत्ती भी बलती छोला बल के भी नाल बलती जिन्ना बहाना बनाना सी ना कि नबूवत ही मुक गई सी ते असीं की करदे रिसालत ही मुक गई सी यानी रिसालत की लाइट भी टुट गई नबूवत की लाइट भी टुट गई ते नेरा हो गया सी अल्लाह फरमाया हाथ फड़ के बखा कोई नेरा नहीं मन बन तबाड़ा हो भाड़ा नहीं अनवाला नबूवत जा रही है विनायत कोई बहाना नहीं चल राती बत्ती इहदा मतलब है जो बहाना ही कोई ना चलता हो सीधा सीधा मन जाना चाहिए मैं जान के फेल होया जान के फेल होया बहाना ही कोई नहीं ट्यूटर रखा हो बत्ती ठीक हो टाइम ना स्कूल जाता हो पुराने जमाने च एक मझ लई हुंदी सी मेहरबाना ने घरदिया साडिया ने वो फिर बंदे आंदे सन मैं पढ़ता के मझ नूं बटे पांदा तुसा मेरे को एक काम तो नहीं ना लिया इस वे मुंडिया कोई काम नहीं इस वे हर बंदे ने किसी बच्चे मझ लै के नहीं दी सिर्फ मोबाइल अच्छा लै के दिता है उन्हें मझ ने बहुत काम शुरू कर छड़े ओए मझ बेचारी तो रात आप ही सौ जाती है बंदा भी सौ जाता ये मोबाइल ना आप सौंद ना किसी को सौ देना हूँ कि भला ये मेहरबानी फरमानी है बचे हो इनू रख के पढ़ना नहीं बहाना हूँ चलने वाली गल ना इस दौर मौला तुहानू जज़ा देवे बहाना चलने वाली कोई नहीं लो जी रहमत का उलट है सहमत यार रहमत का उलट की
सहमत सहमत अनुवादन जिथे रहमत ना हो ते जिथे रहमत होवे उथे सहमत नहीं ती जे सहमत है उथे रहमत नहीं मैं उन्हें पढ़न वाले दा मुंह ही बेंदारी ना जड़े आंदे ने मैं तो अनु 5-7 मिनट दी सहमत देनी है मरे हसनैन दी जागीर भी कदी सहमत होई है हां हो गई है मैं तो अनु 5-7 मिनट दी सहमत ए दरबार हुसैन इब्न अली अलैहि सलाम है अल्लाह दे बंदे इथे रहमत ही रहमत है अच्छा एक गल दसो अल्लाह रहमान भी होवे ते रहीम भी होवे देखो ना वो तो सामने नहीं आया हजूर तो सामने आए ना अल्लाह की रहमानियत और रहीमियत के अजहार का नाम रहमत लिलआलमीन नहीं मैं तुम्हें गल दसा बचे हो पल पे बलदे ने थले बह के पढ़ लो थले बह के ये गल कर लो किताबा पढ़ लो फायदा उठा लो एक मेहरबानी करनी ये ध्यान ना बस ना ये सामने बह के पढ़ना है ये मगर हथ नहीं मारना है छाट पाएगी मैं फिर बहना इन्हों तो फायदा लेना तू लाइट बह के फायदा लेना लाइट तो फायदा लेना ये मगर नहीं हथ मारी दा पीए लाइट कितों भी आँगी एवं बच्चे करते हैं बच्चे कश्ती लिया दौ तरती हो पानी से बच्चे शेर लिया दौ वो बोलता हो बच्चे गड्डी लै दौ तुरदी हो दो त्रै मिनट चलाएगा तो फिर फोल के वेखन लग पाएगा टुरदी किवें कितों टुरदी आ इंशाअल्लाह फिर अद्धे घंटे बाद हर शह पहिए बखरे पे होंगे वह पेट झक हो गया होंगे फिर वह आज करके खलो के भी हम टुरदी नहीं कर दे आते हूँ असा तो तेन नहीं सी ना आख्या चंकी पुरनी ए मतलब है खिलौने की फोला फाली करिए हथ कख नहीं आता तू तो ही फोला फाली मैं बयान फसद के जावा बंदे की बनाई चीज की फोला फाली करिए फोला फाली छड़ दे तौहीद की भी नबूवत की भी मुसलमान भी हो चुका है कलमा रिसालत तो तौहीद पढ़ चुका है कलमा वलायत बड़े नसीब की गल है जेड़ा बंदा अल्लाह ते रसूल नू यार मन चुका है ओ रहमान ते रहीम ते नबी आलमीन दी रहमत है बड़ी चवल है वो जो फिर जन्म ही तुर जाएगा तुसा तो जो नहीं फरमाई तेरा की ख्याल है ओ यार कोई यार लाइट तो फायदा तो आप ही उठाना क्या हजरात उठा लो फायदा अल्लाह की रहमत दा नबी दी करीमी दा ओदे वास्ते थोड़े जे एहतियात ने ओ यार एहतियात दसन लगा कुरान चो रहमत नबी है ने ते आलमीन दी रहमत अल्लाह रहमान ते रहीम है अल्लाह फरमाता बंदे मैं बख्श लेने ने
गुनाहगारा दे मुतलक आंदा मैं बख्श लांगा। मेरा ख्याल है इत्थे किसे गुनाह ही नहीं कीता जिन्हां नूं कोई चाह नहीं छड़िया। अल्लाह फरमांदा मैं बंदियां दे गुनाह बख्श लांगा। इहदा मतलब है यार बंदे नूं फिर गुनाह बख्शवा लेने चाहिए, बख्शवा लेने चाहिए। लो जी कुरान पाक पढ़ना, दो चार आयतां, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुबारका मेरे सामने अल-ज़ुमर खार के कायनात ने आवाज दी। खार फरमाया कुल, मेरे हबीब इनसे कह दे, हुण लगा अल्लाह साडे नाल गल करन ते नबी नूं आंदा कुल, इन्हां नूं कह दे मैं कह अल्लाह तू अल्लाह ते असीं बंदे, तशार तू तू करीब है, साडे नाल सीधी ही गल कर लै। इत्थों फरमाया मैं तेरे जैसा नाल सीधा सीधा बोलन लग पा, तू ते बुआ ही छड़ जा जिस मैनू मनवाए। जो जानों पर असराफ करते हो, ए मेरे वो बंदो जो अपनी जानों पर नफ्सों पर जुल्म करते हो। तर्जमा कर छड़ा दा आसान, और जेड़े गुनाह करते हो मेरे, वो जेड़ा बंदा गुनाह करता है ओला कख नहीं बिगाड़ता, अपने नफ्स से जुल्म करता। अल्लाह फरमाता है असरफु अला अनफुसहिम, ओए अपनी जानां ते जुल्म करन वाले हो, मेरा फरमान छड़ के ते शैतान दे आखे लगन वाले जी, जिन्ने गलती कीती होवे उहनूं आखी ना उरा आओ परा जां, जिन्ने शाम दा मोबाइल बंद कीता हो ते अद्धी रात नूं आ वड़े ते दरवाजा अब्बा खोले, अम्मा नहीं, अम्मा ते छां हुंदी ना भावें रात नूं होवे, मामा है सदके ठंडिया, वो ठंडी छां रात नूं भी छां हुंदी, वो रात नूं बुआ ना खोले। आ मुंडे जरा सबर करो बच्चे, हुण मैं गल पै कर, नींद आ गई नहीं हुण तेरी पै करना ना मैं, एडे एडे रात नूं 12 बजे ते कुंडी कौन खोले, हां फिर वेखना चाहे फिर वेखण वाला हुंदा ओहदा मुंह। वो फिर उस वेले आया जिन्हें शाम का फोन बंद किया, तो शाम का प्यो प्या तड़पता है, वो जेड़े वेले बुआ खोले ना अब्बा, वो वेख के तो अब्बे के उत्तों दी बेंदा है छां के थे। इहदा मतलब है बचे हो, इहदा मतलब है मावां ठंडियां छावां ने ते असीं फादरों की तोहफा, सानू की समझ आई, वो उत्तों दी बेंदा है, वो की आंदा अब्बा, फिर अब्बा आंदा, वो आंदा इधर मेरे वाला इधर नहीं बली आंदे नहीं जावा माड़ा भी तुम जजाए खैर अता करो, उठे सही मेरी अखा च खापा, और किथे सही हो, और किथे ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਚਮਕ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪੁੱਛੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਖੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆਖੇ, ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਆ ਜਾ, ਇੰਜ ਵੀ ਆਖੇ ਤੋਂ ਪਰਾ ਜਾਂਦਾ, प्यार ना ही प्यार देना आ जा। अठ दिन स्कूलों छुट्टियां की हूं बगैर दरखास्त तो, ते बच्चा टुट जा स्कूल, उतो बैठा मास्टर आखे सारे बच्चे इधर हो जी इधर आइए, आएगा कि पर जाएगा, रात नू अपे भी ते मुंह पुचकार के आखे ना बिस्मिल्ला आ जा मेरे मखणा, उतो भी पिछा होंगे ना पा, स्कूल च डकन वाला ही कोई नहीं हुंदा, ये जिस्मानी बाप ते रूहानी बाप, मैं दोवे मिसाल कठिया दे दी, वो आंदा ना आइए, वो आंदा जी मैनू माफी दे सर जी मैं तुहाडी मेरी पूरी गल सुन लै, मेरा एक दोस्त है अल्लाह उहदी जिंदगी दराज करे, लंबा बड़ा सी ते जवान बड़ा, साडे सारे च वड्डा होई सी, चौबी दा सागर उहदे कोल सी, बाकी ते सारे कोल बाई दे, उहनें जिंदगी भर मार खाधी नहीं, जदों मास्टरां ने सोटी कीती है उह सगों सोटी फड़ के आखिया मेरी निक्की जी गल सुन, छेवीं सतवीं ते अठवीं, अठवीं जमात दे पेपर हुंदे सन ते मास्टर ग्रामर सूर साहब छकड़ कर आए, उहनां आखिया थले बह जाओ सारे, ओ इकबाल उठ के खड़ा, उस आखिया अज मैनूं निक्की जी ते दस छड़ो, तैनूं 3 साल हो गए,
मेरी निकी जी सुन लो, सर जी मेरी निकी जी सुन लो, एदा मतलब है जिन्हें गुस्ताखी की हो, जिन्हें कुताही की हो, पुचकार के भी आखी आ जाते पता होंगे आई ये आता मैनू माफी दे छोड़ो। जो अल्लाह साडे जैसे नु आखे ना या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसहिम, ओए मेरे जैसे तो चोरी करन वालेओ गौर ही नहीं फरमाया, ओए मेरे जैसे हाथा हाजर नाजर तो कुंडी मारन वालेओ, ओए मेरी मौजूदगी च कुंडी मार के मत मैनु उड़ालेओ, ओए मेरे जैसे दी मौजूदगी मेरे वेंदियां रोजियां च 2 बजे समोसा खान आ लियो। आ गई जिंद गल सारिया ने, जो अल्लाह फरमाना या इबादी मेरे हबीब इन्हां नूं कह दे ओए अपनी जाना ते जुल्म करन आयो, मेरा ख्याल है ठंड पै जाएगी पूरा मिलाद तुहाडे ज़हन च आ जाएगा, पूरे रबीउल अव्वल दा स्वाद अज ही लेके जाना जे। जिहड़े वेले मैनू डर आ गया, मैनू रातां अपनियां याद आईयां, दिन अपने याद आए, कुताहियां अपनियां याद आईयां, की कीता, की कीता ते किथे किथे की कीता। मैं क्या किन्नू पे बुलांदे ने, नबी फरमाते इन्नू सारे उठा डर गया ना, मेरा मैनू नहीं तुहानू भी या इबादत तुसी भी आउंदे हो। जेड़े वेले मैं अपनी गल तां करना तुसी मेरे नाल मिल जाओ, जो डर के अपने गुनाह तो मैं क्या जी साढ़े गल करते हैं जी थोड़े न मैनु जरा अब्बा आंदा है ना आ जा, उन्हें भी मगर जुती फड़ी होंगी, जरा मास्टर आंदा आइए उन्हें मगर डंडा फड़िया होंगे। मैं परेशान होके मठा जा के मैं क्या जी अल्लाह पाक है कायनात निसार कर दे तेरे रहमतों, आवाज आई ला तक न तू मिन रहमत इल्लाही, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सदके जावा भाई मौला तो मुझे जाए खैर करे, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं, नहीं अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाहा यग़फिरु ज़ुनूबा जमीया, अल्लाह जमा किए हुए गुनाह भी माफ कर देता, जिन्हें जमा हुए एक दो नहीं ढेर लगा हुए गुनाह मतलब अल्लाह फरमाना मैं माफ कर छंड, क्यों अल्लाह फरमाना इन्नहु हुवल गफूर रहीम, इसलिए कि वो गफूर भी है और रहीम भी है। मायूस ना होना किससे, अगर तवज्जो है ना जिन्नी हुन लुत्फाएगा ये आयत है जी, नहीं ला तक ना तू मिन अल्लाह, अल्लाह से मायूस ना होना, ला तक न तू मिन अल्लाह नहीं, ला तक न तू मिन रहमत इल्ला, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। किन्ने बंदे मेरे नाल, अल्लाह की किन्ने समझावा, ऐ मेरे हाथ च अल्लाह नहीं, बोलो बोलो अल्लाह की किताब, ए जड़ी बच की है ना ए की है, की सुनया जे मैं बयाना जड़ी बच की है ना ए की ए चाबी इहदे नाल ही ताला खुलना ते समझ हर शै आउणी है, अकल दा ताला खुलन लगा जे। अल्लाह के गुनाहगारो, अल्लाह के गुनाहगारो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, गुनाह किदा कीता जे अल्लाह दा मायूस ना होना, किदे तो अल्लाह तो, अल्लाह की का के जरा छेवीं तक भी उर्दू की ग्रामर पढ़ी वो भी जानता है, का के की निस्बत दी होंगी, अब्बास का आलम, हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़ुलजना, अल्लाह की किताब जिधर मुंह करके नमाज पढ़ने हैं वो अल्लाह बैतुल्ला है, सदके जावा अल्लाह का घर, अल्लाह की, अल्लाह और है का बता रहा है बैत और है, अल्लाह और है, अल्लाह की किताब ये और है, इसका मतलब है अल्लाह और है मोहम्मद और रसूलुल्लाह, ओ यार मोहम्मद अल्लाह नहीं, अल्लाह के मोहम्मद और रसूलुल्लाह रसूल अल्लाह नहीं, अल्लाह के रसूल है और अली और वलीउल्लाह, अली भी अल्लाह नहीं अल्लाह का वली है। सर उठाओ सर उठाओ,
मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, अली अल्लाह के वली है, हुज्जतुल्लाह अल्लाह की हुज्जत, किताबुल्लाह अल्लाह की किताब, बैतुल्लाह अल्लाह का घर, ऐनुल्लाह अल्लाह की आंख, वजहुल्लाह अल्लाह का चेहरा, और मत मायूस होना कैसे, रहमतुल्लाह अल्लाह और है, अल्लाह की रहमत और है। एदा मतलब है, पूछा कुरान से, मैं क्या वो रहमत तेरी कौन सी है जो मायूसियां खत्म कर देती है और तू गुनाहगारों को बख्श लेता है। फिर मैं कहा तो है बमार सलना का इल्ला रहमत लेना। एक बारी मेरे ना दोहराओ, रब्बाना आते ना आवाज नारा ला, बच्चे बजे भले भले बच्चे ने नारा पूरे आवाज पहुंचा दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। इदा मतलब है अल्लाह की रहमत ही मेरा नबी, रब्बाना आतिना फिर दुनिया हसनतन व फिल आखिरते हसनतन। ऐ हमारे अल्लाह हमारी दुनिया भी हसन कर दे और हमारी, बोलो बोलो यार ये दुआ है ये, अल्लाह रब्बाना आतिना फिर दुनिया हसनतन फिर आखिरत हसरत मकीना आजा बनना। साड़ी दुनिया भी कमाल कर दे, साड़ी आखिरत भी कमाल कर दे, दुनिया भी हसीन कर दे, आखिरत भी हसीन कर दे। अल्लाह बमार सलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन कह के सारे जहान नु दसिया, जे दुनिया ठीक जांदे हो तां भी बदलदा बाबा, जे ते आखिरत ठीक जांदे हो तां भी। बोलो मेरे नाल, इहदा मतलब है दुनिया बेहतर किहदे नाल होई है, नबी दी वजह तो, आखिरत किहदे नाल बेहतर होनी है, नबी दी वजह तो। आ शुक्र करो नूर बशर बन गया, वो बशर ना बनदा तेनू तो करूली करन दी जाच नहीं सी आउणी, तेनू गुसल दा तरीका दस्या ते मेरे नबी, तेरी नस्ल नू निकाह दस के पाक कीता ते मेरे नबी, तेरे जाहर ते बातन वास्ते नमूना बनया ते मेरा नबी। इस दुनिया विच सारा दीन नबी दी वजह तो, नबी दी वजह तो। हुण जल्दी जल्दी मेरे नाल बोलना जे मंजिल थोड़ी जी अगे वे, ए बरोज़े हशर की सुनया तुसां अपने अपने पिंड दे मौलवी कोलों, ते जिन्ने मुकामे ममूत ते खलो के बंदे छुड़ाने ने ओ कौन है, कोई मुकाम है महमूद है कि नहीं, बोलो यार है, वो यार उसे नबी पाक खिलौने की करना ना करो शफात है तुम तो, खैर टीवी कभी खोलिया ही नहीं उस वे जो तो रोज दुआ होती है कि अल्लाह मुकाम मुस्तफा को उस मुकाम पर पहुंचा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया, और क्यामत के दिन हमें उनकी शफात से बहरा मंद फरमा। ये मके भी मैं दुआ सुनी है, मैं मदीने भी सुनी, मैं उत्थे भी सुनी। इहदा मतलब पूरी कायनात नूं पता है कि एक मुकाम है महमूद जिहदे उत्ते नबी ने खिलौना है, ते खलो के करना की गुनाहगारां दी बख्शिश कर, मौला तुहानूं जज़ा दे। इहदा मतलब दुनिया बेहतर होनी है ते नबी ना, ते आखरत बेहतर होनी है ते नबी ना, ते गुनाहगारां ते अल्लाह दा बख्शणा मैं इस रहमत दे सदके ना। जदों आसरा ही ज़हरा दा बाबा है, आसरा ही हसनैन दा नाना है, मैं उस बंदे तो हैरान हाँ जिहड़ा परेशान है कि मैं कितने जन्म ना डिग पा, तेनू रहमत नहीं दिसदी। हुण मैं तुहानू दसण लगा तरीका की, तरीका ए वे कि ध्यान नाल सुनना, यही अज दी मेरी मजलिस है। नबी नू अल्लाह ने रहमत बनाया साड़िया वोटां नाल नहीं, सानू पुछ के नहीं, उस उंझ ही कर्म कर छड़े, ते आलमीन दी रहमत दित्ती। हर नबी अपनी उम्मत वास्ते रहमत है, हर नबी अपनी उम्मत वास्ते, मगर मेरा नबी रहमत अल्लाह आलमीन। नहीं समझ आई तो उन्हें समझा देना, ये जिन्हिया रहमत पिछे आई ने ना, जेडे आख्या नहीं सड़न लगते, आंदे सड़ बंदर बना छड़, बंदे बंदर बने ने कि नहीं, कादे तो बने, की कीता ने, कुछ भी ना। नबी आख्या सी हफ्ते दिन मछियां ना फड़े, उन्हें आख्या था फड़नी है हफ्ते नू, एडे एडे बिगड़े बंदे। नबी की आख्या हफ्ते नू मछलियां नहीं फड़निया, उन्हें हफ्ते नू फड़निया, अल्लाह सारे बंदर बना छड़े। हुण समझ आई आ,
ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਜਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਖਰਗੋਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਗਰਮੱਛ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰ ਨਬੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਇਫ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਦਾ ਖੂਨ ਜੁੱਤੀ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ ਜਬਰੀਲ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੜ ਬਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਜੀ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਨਬੀ ਦੀ ਪੜਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਖਰਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਇਮਾਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗਾ ਐ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਸ ਕਾਲੂ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇਨ ਕਾਨ ਹਾਜ਼ਾ ਹੁਵਰ ਹੱਕਾ ਮਿਨ ਇੰਦਿਕਾ ਫਅਮਤਿਰ ਅਲੈਨਾ ਹਿਜਾਰਤਨ ਮਿਨ ਸਮਾਈ काफिरों ने कहा अगर ए अल्लाह अगर ये रसूल हक कहता है तो हम पर पत्थरों की बारिश बरसा नबी हक आंदा सी कि नहीं आंदा सी उन्हें क्या अगर ये हक कहता हो वल हक मैंने हिंदी का अगर ये तेरी तरफ से ही कह रहा है तो फिर फम तेर अलैना आप आंदे हम पर पत्थरों की बारिश बरसा मिन समाई आसमान से अल्लाह की कह रहे हैं अल्लाह फरमा रहा हबीब काम कोई नहीं एडा आ जो बयान देने ना आ जो बयान देना है कख भी नहीं हूं आंज आंज पत्थर बरसाने हों ते तेरा ख्याल मैं ट्रक के लेने ने चकवाल ते पत्थर ले आओ इथे बरसाने ने कौन कौन ते फैया कौन सार उठाई अल्लाह फरमाता कम हो रहे की आवाज आई मेरे हबीब वमा कान अल्लाह लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम इन पर अल्लाह कैसे अज़ाब करे इनमें तू है आगा ने बाबे री ला आओ नहीं तो वेंदे सब बंदे बड़े आओ जी बिस्मे जजाकअल्लाह पीर सैयद इकबाल शाह साहब अल्लाह इज्जत व अज़मत इज़ाफा फरमाए तशरीफ ले आए ते मैं अपनी गल नूं क्लोज कर लिया मैं रहमत लिल आलमीन पे पढ़ता सा जे तुहाडे ज़हन च हो रहमत लिल आलमीन मुका दे जी मुका दे जल्दी मुका दे मेरा नबी आलमीन दी रहमत है स्कूल पिंड च होवे ते पढ़ना ते मुंडे आप ही है गुआंढ भी होवे स्कूल दे नाल घर होवे ते सारा दिन टायर लैके स्कूल दे दुआले फिरे आके साडे ते गुआंढ स्कूल है सानू ते प्राइमरी भी नसीब नहीं होई अल्लाह दे आ बंदिया गुआंढ स्कूल होवे ते भावे रसूल होवे ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਆਪ ਉਠਾਣੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਚ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੇ ਸਕੂਲ ਚ ਆਪ ਜਾਣੇ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਆਪ ਉਠਾਣੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਆਦੋਂ ਫਿਰਦੇ ਸੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੱਲ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹਬੀਬ ਤੰਗ ਨਾ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਫੀਹਿਮ ਭੇਜ ਤੇ ਨਾ ਦਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਐਸਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਐਸੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਵਜੋ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਫਰ ਜੈਸਾ ਬਦਬਖਤ ਵੀ ਨਬੀ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹਾ ਹੈ
काफर जैसा बदबخت अल्लाह फरमाता है बख्शांगा मैं नहीं मुशरिक नु मुशरिक नु बख्शांगा नहीं लेकिन अजाब नहीं मैं भेजदा ए तिण के कपड़े पा के फिरदे ने उड़ा देंदा मैं हर शय लेकिन अंत फीहिम करा की इना विच तू है वो भी शिया ही है जरा अजय भी गल ते ना पहुंचे काफर जैसा बदबخت अजाब मंगे भी अल्लाह नहीं देंदा मुस्तफा की मौजूदगी की वजह तो किड्डा वड्डा बदबخت होवेगा जिदे ते अल्लाह मुहम्मद की मौजूदगी की अजाब भेज दे पर उठाओ यार काफिर जैसा बदबخت फायदा उठा गया मेरे पैगंबर की मौजूदगी तो सूरह मुबारक अल मआरिज पहली आयत सादा साइलन बे अजाबन वाकिन जब एक साहिल ने अजाब का सवाल कर दिया और अल्लाह फरमाता है लिल काफिरीना लैसा लहू दाफिन फिर वो अजाब वाकया हो गया जो होने ही वाला था। कुरान ते मेरे हाथ ने मुफस्सिर कुरान दा नाम भी दस देना किताबा भी दस देना शिया सुन्नी इत्तेफाक दिया किताबा पढ़ना कौन सी है बंदा जब गदीर पे विलायत अली का ऐलान हो गया सदके जावा एक बंदा नबी से आके मिला अल्लाह ने इनू वाजिब करार दिता वाजिब और याद रखना कि हजरत अली अलैहिस्सलाम दी विलायत नू सारे बंदे उदों भी नहीं सन मनदे एदू मैं मुक्सर कर नहीं सकता वो जिहड़े उस जमाने च नहीं सन मनदे अल्लाह ने उन्हां वास्ते स्पैशल सूरत उतारी स्पैशल आखर गड्डी कली होवे जिहड़े ना बैठा होवे ओह भी बह जांदा साडे वास्ते आई अल्लाह ने त्रै सूरतां नाजर कीतीआं एक मोमिनून एक अल काफिरून या बंदे काफिर होंगे ने या मोमिन होंगे ने जे बचकारला तबका ना होंदा ते क्यों आउंदी अल मुनाफिकून आइए आइए चलो मुनाफिकून दी एक आयत सुन लो वैसे तो नाम ही काफी है नाम ही काफी है ये मेरा ख्याल है कि वलायत ही मुका देने एक आयत पढ़ा अज मेरा ख्याल है कि बाबा जी की मौजूदगी कहीं ना कोई दुआ ले लीए रहमत अल आलमीन पे पढ़ना रहमत अल मैं सूरह मुबारक अल हदीद पे पढ़ना आयत नंबर 28 अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही
ईमान वालों अल्लाह से डरो और नबी पे ईमान ले आओ। जब तुम्हारा नबी पे ईमान आ जाएगा ना, युतीकुम किफलैनी किफलैनी मिन रहमत ही, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से दो रहमतें अदा करेगा। किनिया दो? ओ बंदा मैं नहीं आंदा, आया ही नहीं आंदे ना, जरा नहीं बोले आया ही नहीं, आया चंगा भला। कई बंदे आंदे ना जरा नहीं ना बोले, वो आया ही नहीं, देखा की पै करना आया चंगा भला आया, उजली पे बोलता। मैं तुम दस देना मेनू स्वाद ता होना जे पूरा मजमा इस एक लफ्ज में एक मुंह च बोले। अल्लाह फरमाता है युतीकुम, अगर तुम नबी को इताअत कर लो ईमान ले आओ तो युतीकुम तुमको दी जाएंगी किफलैन, किफलैन आखो एक बार, खैर होवे तुहाडी, किफलैन 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 जेड़ा ना इहदे वज़न दे ज़हन च लफ़्ज़ लियाओ किफलैन मशरकैन आया उन्हें मगरबैन सकलैन सिबतैन ये दोनों आते ने मशरकैन दो मशरक मगरबैन दो मगरब खैर हो थोड़ी फिर खा लेकिन मैं सिबतैन दो बेटे बस किफलैन दो रहमतें रहमत एक सी क्या बात है इतने मुकाना जी क्या बात है रहमत अल्लाह यार एटा अच्छा सुनिया जी रहमत अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम रसूल की इताअत अच्छे तरीके से कर जाओ तो हम तुम्हें युतीकुम किफलैनी मिन रहमति ही हम तुम्हें रहमत के दो बराबर हिस्से देंगे किन्ने दो दूसरा जड़ी मिसाल मैं दी थी आप रोशनी दी वो भी सुन लो वज अलकुम नूरन तम शून बही और तुमको ऐसा नूर अता किया जाएगा हशर वाले दिन तुम अंधेरे में नहीं फिरोगे तुम्हारे पास वो नूर होगा उस नूर में तुम चल फिर रहे होगे त्रय हो गए भाई दो रहमत थोड़े बंदे बोले ने किनिया रहमत दो नूर एक मनना अल्लाह नू ते अल्लाह दे रसूल नू इहदा मतलब है दो रहमत ना अल्लाह ने क्या बात है ना रसूल ने एक नूर ना अल्लाह ना उहदा रसूल है अल्लाह को डरना है ते नबी ते ईमान ले आउणा है किन्ने नू किनिया रहमत दो खैर होवे टिका के आखो मैं शिशर वाली पहला कहता सा मौलवी सारा मजमा नाल लाए असी कि सीमेंट की बोरी चाहिए तो सारे आखो सीमेंट की बोरी यकीन करो जुमे च सारे बंदे पे आखन चाहिए ओ आखे सीमेंट की बोरी लो मौलविया तो सीमेंट वाले बंदे ला रहे हैं और मैं तो रहमत नाल पे आना यार बोलो मैं दोबारा आना रहमत किनिया दो ते नूर किन्ने मनना किनू है अल्लाह नू ते इताअत कदे करनी है रसूल दी ते रहमत किनिया दो ते नूर किन्ने एक लो फिर अजे भी बड़ा बदबख्त है जिहड़ा फिर जन्म में टुर गया अल्लाह फरमाता रहमत दो देंगा ते एक नूर देंगा तुसी हशर वाले दिन भी अपने नूर नाल चलोगे मैं उस बंदे की कबर चुमना जुत्ती लबे ते सिर ते बन्ना जिस सादिक नू पुछया वो नूर केड़ा है सदके जावा ए तू असी केड़ी गल सुनावा ओ नूर केड़ा है ते रहमत दो केड़ियां ने रहमत लिल आलमीन ते एक मैं लिख के तुहाडे वास्ते तोहफा रखिया है मनाकिब इब्ने शहरे आशूब तफसीर नूर सकलैन सरकार इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम ने फरमाया तू फायदा उठाना चाहता है उस किफलैन से और अल्लाह के नूर से फरमा एक मर्तबा बता दो फरमा सारे जमाने को बता दे कि फलान हसनान है नूर आली है कि फलान दो रहमत है सदके जाओ दो रहमत है इहदा मतलब है उस रहमत विचों हसन भी रहमत उस रहमत विचों हुसैन भी रहमत है अल्लाह दे बंदे जिहड़े रहमत बन के आए हो उन्हां दीआं धीआं नूं मारी दे की फायदा उठाइए यार रहमत मौला तुहानूं कदी ना रोवे किसे गम यकम मुहर्रम नूं शुरू नहीं होए
ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਰੋਣੇ ਸਹਾਰਾ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਪੁਰਸਾ ਸਹਾਰਾ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਰਸੇ ਰੋਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 8 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ 8 ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਆਖਰੀ ਪੁਰਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਸ਼ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਰਾਤੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਸੀ, ਮਸਤੂਰਾਤ ਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਬੈਠਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਚੌਕ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹ ਖਾਸ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਪਸੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਘੋੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਊਂਠ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਟੁਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਨ, ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਏ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਜੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਮਲ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਮਾਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਜੈ ਸੁਲਝਣਾ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਜੈ ਊਂਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹੀ ਟੁਰੇ ਨੇ, ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਆ ਰੋ ਪੈ, ਮੇਰਾ ਆਂਸੂ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਂ ਰਵਾਇਤ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਦੀ ਧੀ ਨਿਕਲੀ, ਕਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰੋਏ ਨੇ ਸਦਕੇ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਜਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛਾਪਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਹਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਾ ਖਲੋ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਦੀ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾ, ਬੇਵਾਰ ਸੇ ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਪਾਏ ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਆਂਸੂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੀ ਉਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਮਿਨੀਨ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਕ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਆਂਸੂਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ 2-4 ਜੁਮਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, 5 ਕੁ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ, ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ 20 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਮੈਂ ਹਮਾਮ 'ਚ ਖੜਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਸਲ ਕਰੇਗਾ, ਖੱਦ ਕਰਾਏਗਾ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਬੇਵਾਰ ਉਸਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੇਲ ਚੋਂ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਜਾਦ ਕਦੀ ਸਜੇ ਵੇਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਵੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਹੀ ਕਸਦ ਕੇ ਜਾਵਾ, ਲੈਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਜਾਦ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਐਡਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਸੈਲਾਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿ ਭੈਣ ਰੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭੈਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ, ਕਾਲੇ ਅਨੰਤ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਨੌਜ਼ੂ ਬਿੱਲਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣ, ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਟੁਰ ਚੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਜਾਦ ਆਖਿਆ, ਅੰਮਾ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ।
तैयार हो सारे। पहला कदम बीबी ने उठाया ते दरवाजे च आके बीबी फरमांदी है शाम दियां औरतां आईयां ने थले मुंह करके खलोतियां सन। बीबी फरमा मैनू अनजान ना समझना तुहाडे चो वी खलोतियां ने जिहड़ियां डुक डुक के मेरे वीरां नूं रोंदियां ने ते ओह वी खलोतियां ने जिहड़ियां सुजाण सुजाण के मैनू मारदियां रहियां जिहड़ियां नाल दियां नूं पुछदियां सन इहनां चो अली दी बेटी कड़ी आबाद रहे। फरमाया मैनू सुजाण सुजाण अज़र आज़ादारी दा मुकाम वेख रहना। बीबी ने फरमाया मैं तुहानूं बुलाया तानाबाजी वास्ते नहीं, मैं करीम दी बेटी हां, मैं रहमतुल लिल आलमीन दी नवासी हां। पहली गल ते वे अज आखरी पुरसे ते विच बीबी दा जुमला जरूर सुन लो। बीबी फरमाया पहली गल ते वे जिहड़ियां यजीद जैसे जालिम तो लुक लुक के अंदर वड़ वड़ के मेरे वीरां नूं रोंदियां रहियां हो, मैं मुहम्मद दी धी तुहाडा शुक्रिया अदा करां। हाय हाय सदके भाई, पता नहीं सारे आम रोण वाले का की है जब मैं ना जरा अंदर वड़ के भी रोंदा ना उहनूं भी उहदे नाल शुक्रिया अदा करां। दूजी गल बड़ी अजीब है, बीबी फरमाए उह भी सुन लो, मैं दसना चाहवां ते मैं इशारा नहीं, मैं उंगली रख के भी दस सकनी आ इहने मेरी भरजाई नूं मारिया, मैं दस सकनी आ इहने मेरी भतीजी नूं मारिया, इहने मेरे वीर दे सर नूं पत्थर मारिया, लेकिन मैं नहीं निशानदेही करदी, सिर्फ तुहानूं इस वास्ते बुलाया है जिहदी हसरत रह गई है ना पत्थर मारन दी। ओ पत्थर लै आओ मैं मदीने टुर जाऊं, साढ़े सर दे हो असीं बह के रोईए, तुहानूं याद आ गए ने, एक सर भी पढ़ना उन्हें दो भी पढ़ना तीन तो छड़ देना, दो चार मिनट च एक दो पढ़ देना, यही मैनूं हुक्म है। गली विच सरां वाले संदूक सदके भाई बंदे चुके खड़े हो गए ते हजरत एक दर्द की गल करा, मातमी मातमी जिड्डा डाढ़ा हथ मारदा ना सीने च, खुदा की कसम मैनूं अपनी इबादत कमजोर लगती। मैं ममनून हाँ अपनी कौम के नौजवान का, वो जे इतों मैं बखे ने चटाक लथे वेखे ने, इतों की बोला फटियां मैं जिलदा वेखी, कदी ना मजाक करी किसी मातमी जिंदगी भर थले मुका चुप कर, ये राज है बीबी जहरा दा ते मातमी। वो कोई अंदर यार अंदर बलदा है, देखो हथ मारदा है की करते हो यार, मेहरबानी फरमाओ मातमी। तुहानूं इक गल दसां, हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इन्हें मारिया सी ना लोगों, बीबी बीबी उठन लग्या वी फिजा दा हाथ फड़दे सन, बीबी जमीन ते बहन लग्या वी फिजा दा हाथ फड़दे सन। बीबी फरमा उठा के मैनूं खिलार जरा खिलार रहा, ते बाहर गली चेंज जिवें ना इंज खलोते सन बंदे सरा ते संदूक लैके। हजरत सज्जाद फरमाया अम्मा मैं सर लैंदा जाना तुहानूं फड़ांदा जाना, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਰ ਕਿਦਾਂ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਦੂਕ ਖੁੱਲਿਆ, ਸੰਦੂਕ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਦੋ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਇ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰ ਸਾਸਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਟੀ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੋ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਮਾਤਮੀਓ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਕੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਮਾਵਾਂ ਕਫਨ ਚ ਔਖਾ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸਾਂ ਕਦੀ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਾਜ ਤੇ, ਫੜ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ, ਉਹ ਕਬਲ ਚ ਮਾਵਾਂ ਔਖਾ ਵੇਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਸਕਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸਾਂ ਜੰਗਲ ਚ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੁਸਾਂ ਜੰਗਲ ਵੀਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਅਦਾਦਾਰੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ, ਕੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਰ ਪੜ ਲਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਰ, ਬੀਬੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾ ਸਕਦੇ।
बस हो गई है मजलिस। दो ला नहीं सुन सकते, पता है ना दोनों इस गल बीबी आज बैठे ने तो दोवा पुत्रा दे आज सर रख के फरमाते ने सजाद मैनू बैठी बैठी नु फड़ा और बरामदे चिड़िया बैठिया ने मैं उन्होंने सर दिया वारसा जिदा जिदा सर आंदा है। जिहड़ा सब तो पहला सर हजरत सजाद ने अगला चुके फुफी दे हत्था ते रखिया ना, इंतजार ना करना किसी गल का, अज वेलदे आ सर बीबी फरमा दी उमे फरवा आ जा तुम दसन की लौड़ है कि सर भाई हो गई है मजलिस मेरी, मेरे आंसू आए थोड़े आ गए, जरा रना लो मेरे नाल आंसू सदके जावा कि सर सी कोई नौजवान दस कि हाँ बोलो बोलो ओए मुकाना आखरी जे बोलो मुकाना रणन ते गल का कासिम अलैहि सलाम दा, कासिम अलैहि सलाम दा आज यात्रा की फरमाते ने उम्मे फरवा आ जा जदों बीबी आई है ना मैं किबला पढ़ता सब पता नहीं मैंने इलाका कहना सी बस मैं जो आख्या ना भी हजरत उम्मे फरवा बुला के आते उम्मे फरवा आ जा एक बंदा उठा रोंदा इस तरह मेरे ना होंदा नहीं मैं तो सामने बनावांगा उठ के रो के कहने लगा मौली साहब वो सर बच गया सी हजरत कासिम अज ने घोड़े भजे सर सदके जा मैं क्या जिस कदर मौजूद सी ना वो जेरे वाले रखिया ने ना कटने वास्ते ते बचाया ही सड़े ना रखिया ने ज्यादा बहन पढ़े ने ते एको ही मजलसा च अज तक पढ़े है ओदे ते ही मजलसा होई ने अज वेख के ना मां सकी सके पुत्र दे अज चेहरे वलो ते बीबी ने कबलान कीता है ना मैं किताब चो पढ़ दे चुप रह सके ते ना अज अज वेख के बीबी फरमांदी है कासिम अजे मैं जिंदा अगला सार होवे सुन्नत होवे ते जिंदगी च पहली बारी इत्थे आया होवे आज मैं दसन लगा नाम ही नहीं दसना पता ना लगे किवें ना लगे जेड़ा अगला सर संदूक चो कट के हजरत सजाद ने फुफी दे हत्था ते रखिया ना ओ बीबी ज़ैनब दे हत्था दे अंदर ही छुप गया मैं तो वाह मैं प्यार ना मैं प्यार ना कोई ना दिल तो दे वाह हाँ बोलो ना जवानों की नजर बंदा भी कोई नहीं सी ओ मजलिस अजीब हुंदी है जिथे मजमा ना होवे ते बंदा किताब सामने रख के रोवे मैनूं नींद नहीं सी आउंदी फिर उठ के फिर मुंह धो के फिर बैठा कई बारी उठा कई बारी बैठा की दसा पढ़ मैं की बैठा वो सुन लो एवं मुसाइब की कोई गल होंगी है जी अड़ जा कोई एक गल ना अड़ जाती है वह बंदे चो निकले थे अगो सुने आ जो बंदे रोंदे रेंदे ने बंदा पढ़ के भी तुर जाता उन्होंने बिच गल इतनी जी मेरी इतने फस गई ना गल वो की सी एवं तसवर मैं एवं किताब पढ़ते इंज लगा जिम्मे सामने हो रावी लिखद बीबी ने वो हथा से सर रख के कुछ भी नहीं मुंह चू आख्या बीबी रबाब ने वैन करना सी देखो वे मेरा पुत्रा मैं कि मसल आंदा पहला बीबी ने खुशक लबा नू त्रै बारी चूमे सारे दे दिन चाह त्रै बारी चूमे फिर चूमे सर के जावा कभी छिया महीनों का उठा के वेखी बीबी ने अपने पुत्र के कुछ गलबा त्रै बारी चुमिया ते दो वैन कीते पहले वैन ते दूजे वैन ते जान जांदी है पहला वैन करके बीबी फरमांदी है एडे एडे भी कदी कल्ले सुतर रहे बीबी अगली गल जी जिगर फाड़ दिंदी है आज बीबी बह के फरमांदी है असगर बेटा सकीना भी मार गई जड़ी मेरे नाल लड़के तेरे वैन कर दी
फिर बीबी पाक ने सर तो उच्चा किया, फिर सर तो इतने सर रख के बीबी ने एक जुमला क्या फरमाया, बस वीर जरा वेखा अच्छी तरह सदके भाई ये सर में कभी पढ़िया नहीं, जरा हम पढ़ लगा ये भी सुन लो, ये सर ऐसा कि मिला जरा हजरत सज्जाद ने चौथा उठाया ना, तैयार हो नौजवान आंसू आ गए, आज हजरत अब्बास ने पहला सर सी इन सारे सर चो जिन्हों फट दिया सार मेरे मौला दे हाथ कंबे ने, ते फरमाते ने अम्मा जल्दी फड़ लो, अद्या नू पता लग गया अम्मा जल्दी फड़ लो, ते पहला सर सी जिन्हों वेख के बीबी पाक ने फरमाया थे जे सजाद बैठा, मेरा ख्याल है कोई बंदे नू नहीं पता लग गया, सदके जावा आखिरी जुमला पे पढ़ना, फरमाते ने अम्मा जल्दी फड़ लो, बीबी फरमाते ने सज्जाद बेटा जरा रुक जा, जिन्हों हुण तक नहीं ना पता लगा, मैं उम्मीद नहीं करता, मैं यकीन है दसन तो बगैर तो पता लग जाने किवें हो सकता यार, रोज मजसा चाहते हो इस सर नू वेंदिया सार बीबी ने आउंदा सर भी जमीन ते रख दिता, कोई रह ना जाना चाहिदा बेटा, मुहम्मद दा सर भी जमीन ते रख, नजर नहीं पता लगा कि दा सारे दोवे पुत्रां दे सर जमीन ते रख के बीबी फिजा दे सारे नाल उठदी आई है ते रो रो के आंदी आवे मेरा अली अकबर बेटा, आवे मेरा नाने दी शकर आला बेटा, फुफी उदास सी वे मेरा परदेसी बेटा, हर बीबी ने अपनी छोड़ी चो पुत्र दा सर जमीन ते रखिया, ते जिवें हाजी काबे दा तवाफ करदे ने हर बीबी जैनब के द्वारे फिर के भी आंदी सी वाह तुम्हारा वाह।